तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी सुबह का 8 बज रहा है और अभी मैं जस्ट उठा हूँ, और उठने के बाद अभी इस जगह पे पहुँचा हूँ। इधर का जो व्यूज़ है ना, बहुत ही कमाल का लग रहा है। और ये किस चीज़ का पेड़ वगैरह लगा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, बट देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब्जी वगैरह भी है, और अभी जा रहे थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो लेता हूँ। उसके दोस्तों किस तरह से एकदम पूरा थर्ड एसी बोगी में भी लोग खचाखच भरे हुए हैं, जैसे कि लग रहा है कि जनरल बोगी में हम लोग आ गए हैं। और ये मुंबई मेल का यही हाल है कभी भी, तो भाई लोग थर्ड एसी कटाना भी मेरे तरफ से लगता है कि बकवास है, क्योंकि आप थर्ड एसी कटाइए चाहे जनरल कटाइए, आपको बैठ के ही जाना होगा। देख सकते हैं किस तरह से हम लोग जा रहे हैं बैठ के एकदम, प्लस में तीन घंटा लेट। तो इसका तो खानदानी आदत है 3 घंटा लेट होने का, लेकिन वेटिंग लिस्ट भी तो देखो कि थर्ड एसी में वेटिंग लिस्ट को घुसा देता है, ये तो गलत बात है। कचरा वगैरह भी अभी तक सफाई वफाई नहीं हुआ इधर, पूरा एकदम बोगी में देख सकते हैं किस तरह से पूरा कचरा करके रखा गया है। और सुबह का अभी भी हो गया है, भैया का कॉल आ रहा है, सुबह का 8:30 बज गया, अभी तक कोई साफ सफाई भी नहीं किया गया। वाओ दोस्तों, बहुत ही मजा आ रहा है, वाओ, पूरा हवा आ रहा है दोस्तों, ठंडी ठंडी एकदम, पूरा एकदम फ्रेश। ये थर्ड एसी है भाई, लग रहा जनरल है पूरा। B2 में भी इसी हाल है। तो उधर से आके दोस्तों अभी अपना सीट पे बैठ गए, फिर से उधर भी गए थे। कौन सा बुक की तरफ गए थे हम लोग? B4 and B3 में तो इससे भी ज़्यादा बेहाल है दोस्तों, वो तो आप लोग पीछे वीडियो में देख ही लिए कि किस तरह से हम लोग उधर भी जाके देख रहे थे क्या है। तो हर बुगी में इसी तरह का है। तो भाई मुंबई मेल कैंसर लाइफ में लेके हम लोग कोशिश करेंगे जाने टाइम से पागल लगा, इससे तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे हम, इतना गर्दी में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। सबसे पहले बात है कि लेट भी इतना ज़्यादा है ना, कि अगर कोई काम टाइम पे होगा तो हम लोग का काम कभी नहीं होने वाला। नाश्ता आ गया है और फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं। अभी है हमारे पास ब्रेड और ऑमलेट मंगवाए हैं और इसी को नाश्ता करेंगे। ये है केचप और इधर से ब्रेड दो, और नीचे ऑमलेट है। लेकिन भाई रेट तो सुनेगा तो हंसी आएगा, 50 रुपये करके दिया है, तो काफ़ी सस्ता है नाश्ता। फिलहाल दोस्तों नाश्ता कर लेते हैं, काफ़ी तेज से भूख लगी थी और नाश्ता कर लेते हैं। और अभी हम लोग ट्रेन पे ही सफ़र कर रहे हैं, और कुछ ऐसा सीन है, और विंडो सीट के कारण ज़्यादा बाहर भी हम लोग कैमरा नहीं कर सकते हैं, तो नहीं आ रहा, लेकिन सीन भी ज़बरदस्त दिखता है विंडो सीट से। पार कर गए और सारा सामान जो इधर उधर फेंक के रखे थे उसे अब समेटना पड़ रहा है, और बहुत सा सामान इधर उधर था सब डाल रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा है इसे फिर से हमें पहनना पड़ेगा, क्योंकि बैग में तो जगह ही नहीं है। ये टकला बंदर की तरह दिख रहा है, देखो कैसे कर रहा है। तो चलो दोस्तों अभी यहाँ से हम लोग उतरेंगे दादर में, अभी कल्याण क्रॉस कर गए हैं कुछ, ये रहा कल्याण का पास आ गया है, जितना पास आ रहा है उतना हम लोग का तेज धड़कन भी हो रहा है, और जाएंगे किस जगह पे तो आप लोग का अगला वीडियो। हमारा स्टेशन आ गया दोस्तों, और यहाँ से देखिए किस तरह से सभी लोग कतार पे लगे हुए हैं उतरने के लिए, और मैं भी उतरूंगा और देखता हूँ कितना समय लगता है, क्या है कि मुंबई में काफ़ी हैवी भीड़ होता है स्टेशन पे। और अभी उतरने जा रहा हूँ हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, और दादर फाइनली दोस्तों अभी हम अपना गेट से उतर रहे हैं। ये रहा मुंबई का नगरी, और मुंबई नगरी पहुँच गए हैं, और सपनों का नगरी मुंबई। और चलिए दोस्तों इधर से जाएंगे, हम लोग को निकलना है नॉर्थ। निकल चुके हैं बाहर, और यहाँ से हम लोग जाएंगे वर्ली गांव, और वर्ली गांव के लिए देखते हैं किस ऐप से हम लोग जाएंगे। फिलहाल फ़ोन करके जिया जी को पूछ लेते हैं कि किस जगह पे हम लोग को जाना है। और अभी तो हम लोग सपनों की नगरी मुंबई पहुँच गए हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों हम लोग को मुंबई आके। और ये ऊँची ऊँची बिल्डिंग है भाई, हमने सेफ्टी भी नहीं किए थे कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा। ये रहा कुछ नज़ारा, तो ये रहा कुछ सीढ़ियाँ, और इधर से हम लोग को जाना है कबूतर खाना, उसके बाद उधर से हम लोग। और मुंबई का नगरी में तो भाई
बात ही कुछ अलग है, भीड़ और ट्रैफिक काफ़ी ही ज़्यादा है। लाल भैया लोग को कॉल नहीं किया, कॉल करके बता देते हैं कि हम दोस्तों कितना ही भीड़ है मुंबई, इसीलिए बोला गया दोस्तों मुंबई भीड़ देख रहे कितना काफ़ी है, ज़बरदस्त लाजवाब। ये है दोस्तों हमारा बस का लाइन, पापा रे कितना लंबा लाइन, यहीं से हम लोग को बस पकड़ना, लाइन देखो तो देखिए कितना लंबा लाइन है। और अभी हम लोग लाइन पे लगकर काफ़ी धूप लग रहा है दोस्तों यहाँ पे, और पसीना बाप रे, हमारे यहाँ पे इतना ठंड और यहाँ पे इतना गर्मी, गर्मी लग रहा है क्या? हम गलती के जैकेट ले आए, गलती के जैकेट ले आया, तो हम लोग देखते हैं अभी लाइन कितना देरी के जाता है। अभी बहुत ही ज़्यादा हम लोग को गर्मी लग रहा है। देर इंतज़ार करने के बाद हमारी गाड़ी सामने आ गई और अब चढ़ रहे हैं, देखते हैं सीट कौन सा मिले। इसमें आपसे को सीट मिल गया और मुझे अभी तक नहीं मिला क्योंकि लाइन इतना लंबा था कि सीट मिलना मुश्किल था। अभी जा रहे हैं वर्ली गांव और वर्ली गांव पे जाके उतरूंगा और कुछ खाऊंगा दोस्तों, सीट मिल गई सीट पे। फाइनली दोस्तों वर्ली गांव पहुंच गए और आ रहे हैं जिया जी का फ्रेंड, शायद इसी रास्ते से आएंगे मुझे पता है, थोड़ा सा कंफ्यूज में है, हाँ इसी रास्ते से है लेकिन जा रहे हैं अभी हम लोग। तो चलिए दोस्तों रूम पे जाते हैं फ्रेश। तो हम लोग रूम पहुंच गए हैं और ये है कुछ रूम, और मुंबई में तो भाई रूम का तो बहुत ही दिक्कत होता है, आप लोगों को पता ही होगा, जो भाई लोग मुंबई पहले आए होंगे तो रहने का ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग इसी रूम पे रुके हुए हैं, बाकी बाद हम लोग कल कहाँ जाएंगे वो तो आप लोग ब्लॉग पे हमेशा कंटिन्यू रहिए पता चली जाएगा, और दोस्तों किस काम से आए हैं वो तो आप लोगों को आगे पता चली जाएगा कि हम लोग मुंबई किस लिए आए हैं और सपनों की नगरी मुंबई। तो दोस्तों फ्रेश वगैरह हो गए और अब जा रहे हैं सोने के लिए, कहा है कि काफ़ी थक गए हैं और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ट्रैवल करते करते जानते हो ना ट्रेन में कितना प्रॉब्लम होता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो दोस्तों एक लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में अगले एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, लव यू।